वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे लहर के बाद बनी स्थिति को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी में जुट चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है, जिसको देखते हुए जिला चिकित्सालय सहित मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि गोरखपुर पहले ही इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से निपटने में सक्षम है, इसी प्रकार हम कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जैसा अनुभव हो रहा है तो इस तरह हम लोगों को सुदृढ़ होना चाहिए। हमने थोड़ी सी वो लापरवाही की, फर्स्ट कोरोना के वेव के बाद थोड़ा सा शिथिल हो गया कि सेकंड नहीं आएगी, और बार बार सब लोग कहते थे कि सेकंड वेव हर जगह आ रही है, तो हमने देखा आई तो हम लोग झुलस गए सब लोग। तो इस तरह की चीज़ें ना आए, और हमारे मुख्यमंत्री जी कितने प्रोग्रेसिव नेचर के हैं कि उनको पता चल जाता है कि क्या करना है, और जैसे हमारी इंसेफ्लाइटिस को उन्होंने दूर किया है, और बच्चों के लिए हमने हमारे अस्पतालों में हमारे PCCSs पर भी हमने PQ खोल रखे हैं। हमारे जिला अस्पताल में PQ बच्चों का वेंटिलेटर लगा हुआ है। हम अपने सभी CSC PAC पर दो दो वेंटिलेटर रखेंगे, और अगर बच्चों में कोई दिक्कत आती है तो बच्चों के भी हम बीमारी को दूर करेंगे, कोरोना से हम अपने जिले को मुक्त करेंगे।